मैदान में थी, लेकिन जगमोहन आनंद चुनाव जीत गए हैं। जब करनाल से मनोहर लाल खट्टर को चुनाव मैदान में उतारा था उस वक्त भी यही प्रबल दावेदार टिकट के थे, लेकिन किस्मत तो कुछ और मंजूर होता। घरौना से बीजेपी हरविंदर कल्याण चुनाव जीत चुके हैं, बहुत आश्वस्त है ये भी अपनी जीत को लेकर। मतदान के अगले दिन जब पूछा कि कैसे आप व्यक्त क्या कुछ कहना चाहते हैं एग्जिट पोल पर, तब कहा था कि कोई डर नहीं है, ये एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल थोड़े ही है। अब इंतजार कीजिए 8 तारीख का, और इंतजार देखिए अगर बीजेपी ने किया तो आज उसका फल बहुत मीठा है बीजेपी के लिए। दादरी से सुनील सतपाल सांगवान, दादरी से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। सरकारी नौकरी से वीआरएस लिया और सतपाल सांगवान के बेटे हैं सुरेश सांगवान। सतपाल सांगवान ने करीब करीब हर राजनीतिक दल में जाकर राजनीति की है, चुनावी राजनीति भी की है, लेकिन इस बार बीजेपी की तरफ से बेटे को टिकट मिला, चुनाव जीत गए हैं। उमेश सिंह बाडला से चुनाव जीता है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उमेश सिंह ने बाडला, जहां से कोई मुकाबले में था नहीं, और जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि हवा है, वो हवा हमें बहुत ज्यादा इलाकों में नजर आई नहीं, जो मजबूत है वाकई में उम्मीदवार, उन्होंने ही जीत दर्ज की है। और राजेश जून ये निर्दलीय हैं जो सुबह से लगातार लीड बनाए हुए थे, बहादुरगढ़ से चुनाव जीत चुके हैं राजेश जून। अगर निर्दलियों की बात करें तो एक राजेश जून है, हिसार से सावित्री जिंदल है, गन्नौर से देवेंद्र काद्यान, ये तीनों चुनाव जीत चुके हैं, बाजी पलट चुके हैं, बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा दी है इन निर्दलियों ने, बागी अलग अलग पार्टियों के, लेकिन ज्यादातर बीजेपी के बागी। तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में आ रही बीजेपी एक बार फिर से जीत की हैट्रिक के साथ तो जाएंगे तो उसी पाले में। तो बड़ी बड़ी जो तस्वीरें हैं ये देखिए अंबाला कैंट से आगे चल रहे अनिल विज, ये मामला थोड़ा सा यहां पर पेचीदा जरूर है। अनिल विज के विधानसभा सीट से अभी परिणाम नहीं आया है, उनका मुकाबला यहां कांग्रेस के उम्मीदवार परविंदर सिंह परी के साथ नहीं बल्कि निर्दलीय बागी कांग्रेस की चित्रा सरवाला के साथ है। और हम लगातार रुझानों से ये देख रहे हैं अभी तक कि अनिल विज इसी पर आगे पीछे हो रहे, और ये तगड़ा झटका है बादली से बीजेपी को एक बार फिर से। ओम प्रकाश धनखड़ करिश्मा नहीं कर पाए, धराशायी हो गए हैं ओम प्रकाश धनखड़ फिर से। बड़ी जिम्मेदारियां इस बीच उनको मिलती रही पिछले चुनाव में हार के बावजूद पार्टी में संगठन में, लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, जनता की जो उम्मीदें होती उन पर खरा। एलाहाबाद में तगड़ा झटका लगा है, एकमात्र सीट जीत कर आए थे पिछली बार एनएलडी उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला, लेकिन एलाहाबाद में बड़ा उलट फेर आप कह सकते हैं, भरत सिंह बेनीवाल मात दी है अभय सिंह चौटाला को। अभय सिंह चौटाला एक बड़े राजनेता, बड़े कद के नेता, उनको तगड़ा झटका, एलाहाबाद उनकी पारंपरिक सीट है, लेकिन आज इस बार शहमात के खेल में मात खा चुके हैं। ये दिग्विजय सिंह नाम गलत लिखा हुआ है, नाम ठीक है लेकिन फोटो अभय सिंह चौटाला की है, दिग्विजय सिंह चौटाला हार गए, फोटो बदल दीजिए, इनके भतीजे हैं, भले ही राजनीतिक रूप से रिश्ते बहुत ठीक नहीं है इनके बीच में, बहुत क्या ठीक ही नहीं है। गणेश सांपला किलो से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीत गए हैं, मंजू हुड्डा कोई मुकाबले में थी नहीं और चुनाव प्रचार करने भी नहीं गए, जिम्मेदारी उठाई हुई थी पूरे प्रदेश की, यानी 88 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर चल रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, लेकिन वहां जिम्मेदारी निभाते निभाते भी अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन जो सपना देखा था सत्ता का सूखा खत्म करने का कि 10 साल बाद एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होगी कांग्रेस, वो सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा। लेकिन कुछ देर पहले जुड़े थे, मीडिया के सामने आए थे, तब भी विश्वास जताया था कि थोड़ा और इंतजार कीजिए। अंबाला शहर निर्मल सिंह मोहरा एक अभी फिर से आगे हैं, असीम गोयल पीछे चल रहे बीजेपी के उम्मीदवार, और निर्मल सिंह मोहरा एक बार फिर से वापसी की थी, घर वापसी थी कांग्रेस में, चित्रा सरवारा उन्हीं की बेटी हैं जो पीछे चल रही है अनिल विज से, लेकिन ये शहमात का खेल बहुत सुबह से हम देख रहे हैं दोनों के बीच में। अनिल विज जैसे कद के नेता को टक्कर देना ही बहुत बड़ी बात है, बागी है कांग्रेस की, निर्दलीय चुनाव मैदान में है और यहाँ अभी भी कांटे का मुकाबला चल रहा है। इंतजार है अंबाला कैंट सीट से अभी चुनाव परिणाम के आने का, रिजल्ट के आने का। अंबाला कैंट में ये दो बड़े चेहरे आप फिर से ध्यान से देखिएगा, परविंदर सिंह परी जो कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से है वो कहीं रेस में नजर नहीं आए थे, और चित्रा सरवारा मजबूत दावेदार थी यहां से कांग्रेस की टिकट की, कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, और परविंदर सिंह परी जो समर्थक माने जाते हैं कुमारी सैजा के, उनको पार्टी ने टिकट दिया, और यहां मुश्किलें। महेंद्रगढ़ से बड़ी जीत कहेंगे, कंवर सिंह यादव चुनाव जीत गए हैं, रामविलास शर्मा का टिकट काटा था भारतीय जनता पार्टी ने, तब बहुत विरोध हुआ था, नाराजगी भी झलकी थी,
पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़े किए थे, लेकिन राव दान सिंह को पटखनी दी है इस चुनावी अखाड़े में। कंवर सिंह यादव ने अचानक से नाम उभर के सामने आया था, आरएसएस के उम्मीदवार कह सकते हैं, आरएसएस ने जो होमवर्क किया है उसका परिणाम सबके सामने है। कंवर सिंह यादव को लेकर आना ये आरएसएस की पटकथा है जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तिगांव से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश नगर भी जीत गए हैं, सुबह से लगातार रुझानों में आगे चल रहे थे और आरएसएस की क्या भूमिका इस जीत में है उस पर हम आगे विश्लेषण करेंगे। लेकिन ये मानिए कि पटकथा उन्हीं की तरफ से लिखी गई जो नाम एकदम से उभर कर सामने आए थे, जब लगा था कि आखिर कौन टिकट बंटवारा कर रहा है और क्यों ये नाम सामने आ रहे हैं, उसके पीछे भी जो जीते हुए चेहरे हैं ये बताएंगे आपको कि क्या किया है आरएसएस से, क्या होमवर्क किया था। सतीश कुमार फागना भी जीत गए हैं बीजेपी फरीदाबाद एनआईटी से, यहां से नीरज शर्मा चुनाव हार गए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, वही नीरज शर्मा जिनका बयान विवादों में रहा कि 50 वोट एक नौकरी, और यहां से पर्ची खर्ची की बातें बीजेपी ने उठाई कि एक बार फिर से क्या प्रदेश की जनता चाहती है कि पर्ची खर्ची की सरकार फिर से आए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए, तो क्या ये भारी पड़ गए हैं। बयान भी जो बन रहे थे कांग्रेस के, जो अति उत्साह में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे थे, तो क्या ये बयानबाजी भारी पड़ गई कांग्रेस को जो चुनाव परिणाम है उसी तरफ इशारा कर रहा है। और गौरव गौतम जीत गए हैं बीजेपी के पलवल से, ये युवा चेहरों पर भी दांव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने, अब गौरव गौतम जीते हैं पलवल से और यहां पर भी बड़े चेहरे हारे हैं कांग्रेस के। कर्ण दलाल चुनाव हार गए हैं, ओम प्रकाश यादव नानो से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और करीब करीब यहां तय था कि ओम प्रकाश यादव मजबूत हैं, अब मजबूती को जीत में कन्वर्ट कर दिया है। हरियाणा में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में एक बार फिर से वापसी करती हुई, जीत की हैट्रिक लगाती हुई साफ तौर पर अब नजर आ रही है, पिक्चर यहां एकदम क्लियर होती हुई। और इस पिक्चर के हीरो होंगे नायब सिंह सैनी, चेहरा बदला 6 महीने पहले, लोकसभा में 5 सीटें गवा दी, तब लगा था विश्लेषण हुआ था कि शायद वो काम नहीं आया, बहुत देर कर दी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, विधानसभा चुनाव में बाजी पलट के रख दी है नायब सिंह सैनी ने। देख रहे थे जलेबियों के थैले वहां पर बांटे जा रहे थे, लड्डू वहां पर खिलाए जा रहे थे, लेकिन अभी जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो बिल्कुल उलट है उस तस्वीर से जो सुबह तस्वीर नजर आ रही थी। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जीत और हार यहां पर देखने को मिल रही है, और 36 पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने अभी तक जीत लॉक कर ली है। और पंचकुला के दिखाएंगे, पंचकुला जिले में 2 सीटें आती है, पंचकुला खुद और कालका, यहाँ पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता हार गए, चंद्रमोहन बिश्नोई जीत गए हैं, तो कालका से प्रदीप चौधरी हार गए हैं। इस वक्त कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लेते। मैं हरियाणा की जनता का जहाँ दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ, वही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं, मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, कोहाड़ा की जलेबी, कोहाड़ा की जलेबी के साथ ये बात अलग से करूंगा। आप यहाँ सुन रहे हैं जीत का सेहरा इन्हीं के सर बंधेगा। सुदेश, अगर ये जो नतीजे अभी आ रहे हैं और अगर इसी तरह से नतीजे रहते हैं, पिक्चर हालांकि काफी हद तक अब क्लियर हो चुकी है और यही कारण है कि बीजेपी के जितने भी नेता हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं, कांग्रेस में जो जोश और खरोश सुबह देखने को मिल रहा था अभी वो थोड़ा ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी आखिरी मोमेंट में कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर जिलेवार आपको बताते हैं, अंबाला में 4 विधानसभा की सीटें आती है सुदेश। बिल्कुल, बीजेपी का कमल 1 पर खिल चुका है, कांग्रेस से 3 पर आगे और जीते ये हम दिखा रहे हैं।
यहां मुलाना विधानसभा सीट कांग्रेस जीत चुकी है। मंजू जो कि वरुण मुलाना की धर्मपत्नी है वो चुनाव जीत चुकी हैं और बीजेपी की तरफ से यहां पर एक कमल खिला है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कौन सी विधानसभा सीटें हैं जहां जहां पर चुनाव परिणाम, क्योंकि कुछ चुनाव परिणाम अभी हमारे पास आए नहीं है। अंबाला कैंट से क्योंकि आगे चल रहे अनिल विज और असीम गोयल अंबाला शहर से पीछे हैं। ये यमुनानगर जहां दो सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, कंवरपाल गुर्जर के रूप में एक तगड़ा झटका बीजेपी को लगा, चुनाव हार गए, घनश्याम यहां से जीत गए हैं। लेकिन अकरम खान के रूप में कांग्रेस को लिए जरूर एक अच्छी खबर है कि कांग्रेस के दो उम्मीदवार एक अकरम खान के रूप में यहां से चुनाव जीत गए हैं। बिल्कुल, तो यमुनानगर की तस्वीर आपको बता रहे। कुरुक्षेत्र का अगर जिक्र कर लें तो कुरुक्षेत्र में बीजेपी ने एक सीट जीत ली है। कुरुक्षेत्र में चार विधानसभा की सीटें आती है और तीन पर कांग्रेस काबिज हुई है। सुदेश, आप इसको बेहतर एनालाइज कर पाएंगे। लाडवा से नारसिंह सैनी चुनाव जीत गए हैं और कैथल से आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीत गए हैं। गुला से भी चुनाव जीत गए कांग्रेस के उम्मीदवार। वही थानेसर से भी चुनाव जीते हैं अशोक अरोड़ा। तो तीन सीटें कांग्रेस के खाते में गई है और एक सीट लाडवा जो मुख्यमंत्री नारसिंह सैनी खुद वहां से पार्टी उम्मीदवार थे वो चुनाव जीत गए। तो कुरुक्षेत्र की चार विधानसभा सीटों का ब्यौरा हमने आपको दिया है। अगले जिले का हम यहां से रुख करते हैं, कैथल जाते हैं और कैथल में हम देख रहे हैं कि एक सीट बीजेपी को गई है और तीन सीटें यहां से कांग्रेस के पास गई हैं। इस पर थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि अगर डेटा आ जाएगा कौन सी सीट किसके पास गई है कांग्रेस की, बीजेपी के पास भी एक सीट यहां से गई है, तो ये हम कहेंगे कि जरा बताएं कि कौन सी सीट है ये बीजेपी की जो कैथल से एक इनके पास गई है। तो जिलेवार आपको बता रहे करनाल की अगर बात करें तो पांच की पांच सीटें करनाल से बीजेपी की झोली में गई हैं। सुदेश, कहा जा रहा था कि करनाल थोड़ी सी सेफ नहीं है, इस वजह से मुख्यमंत्री को लाडवा से चुनाव लड़ाया गया, इस तरह का कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन करनाल की पांच विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जो आंकलन था कांग्रेस पार्टी का वो आंकलन बिल्कुल गलत यहां पर साबित हुआ है जासमिन, क्योंकि बीजेपी खाते में पांच सीटें करनाल की जाना ये साफ संकेत है कि जीटी बेल्ट में बीजेपी कमजोर नहीं हुई है। जो लोकसभा चुनाव में लगा था कि बीजेपी यहां पर कमजोर हुई है यही उसकी ताकत है। दक्षिण हरियाणा हो या फिर जीटी बेल्ट हो वहां पर बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। पानीपत में चार सीटें बीजेपी के पास और यह खाता नहीं खोल पाई है कांग्रेस, जबकि लग रहा था कि पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी दोनों में ही बहुत कड़ा मुकाबला कांग्रेस के उम्मीदवार देंगे, लेकिन शहमात के खेल में यहां पर मात दे दी है बीजेपी ने कांग्रेस को। बिल्कुल, और इसी बेल्ट का जिक्र किया जा रहा था सुदेश कि यहां पर बीजेपी की पकड़ थोड़ी कमजोर हो गई है, लेकिन वो नतीजों में नजर नहीं आ रहा है। सोनीपत की बात कर लेते हैं, सोनीपत में भी चार पर बीजेपी काबिज हो गई है और एक पर कांग्रेस, और ये एक पांच कर कह सकती हो यहां से जासमीन, जो एक गन्नौर से सीट आई है देवेंद्र कादियान की वो बीजेपी के ही बागी है और चार सीटें बीजेपी अपने बलबूते जीत चुकी है, एक सीट जरूर गई है कांग्रेस के पास। तो सोनीपत की छह में से चार सीटें बीजेपी के पास, एक निर्दलीय के पास और एक कांग्रेस के पास गई है। बिल्कुल, और जींद की बात कर लेते हैं, जींद की पांच सीटों में से चार बीजेपी के पास। सुदेश, ये बहुत हैरानी की बात है क्योंकि बांगड़ बेल्ट में जहां लग रहा था कि किसान आंदोलन का, पहलवानों का, अग्निपथ योजना का बहुत ज्यादा असर है और यहां बीजेपी खाता नहीं खोल पाएगी, अगर वहां पे बीजेपी चार सीटें लेकर जा रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सिर्फ बातें हो रही थी, ये इतने बड़े मुद्दे थे नहीं जैसे बनाए जा रहे थे। फतेहाबाद में भी तीन सीटें कांग्रेस के पास, यहां राहत की बात जरूर है कांग्रेस के लिए, बलवान दौलतपुरिया हो, और साथ में अगर हम बात करें फतेहाबाद में तो कांग्रेस पहले से मजबूत थी। रतिया सीट भी कांग्रेस के उम्मीदवार यहां से जीत गए, यहां पर सुनीता दुग्गल के रूप में तगड़ा झटका रतिया में लगा है क्योंकि पूर्व सांसद हैं, बीजेपी के आलाकमान के काफी करीबी मानी जाती हैं, विरोध के बावजूद आलाकमान ने उनको टिकट दिया, तो इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। सिरसा में तीन कांग्रेस के पास और दो एनएलडी के पास, एक तो डबवाली और एक रानिया सीट, तो यहां राहत जरूर है, लेकिन सिरसा में ही तगड़ा झटका एनएलडी बीएसपी को लगा है। एलावा से अभय सिंह चौटाला चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल, हिसार जिले की अगर बात करें तो यहां पर सात विधानसभा की सीटें आती हैं और चार यहां से बीजेपी के पास गई हैं। इसे कैसे देखा जाए सुदेश, हिसार के इस विधानसभा को, इस जिले को पूरा लोकसभा से बिल्कुल अलग चुनाव परिणाम हिसार लोकसभा के भी आए हैं। चार विधानसभा सीटें जहां लग रहा था कि रणबीर गंगवा भी इतने मजबूत थे, लेकिन आखिरी वक्त में बहुत कुछ बदला है। चुनाव प्रचार में जो बीजेपी ताकत झोंकती आखिरी वक्त में, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल चेंज थी, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो या इसके अलावा उत्तराखंड के सीएम हो पुष्कर धामी या फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री हो, लगातार हमने देखा कि चुनाव प्रचार में ताकत झोंके रखी कांग्रेस को। हालांकि दो सीटें जरूर मिली यहां से, लेकिन कोई बहुत बड़ी जीत नहीं है। अगर जसी पेटवार की जीत को छोड़ दे तो बहुत बड़ी जीत यहां पर है नहीं। आदर्श में सावित्री जिंदल का नाम सुन लेते हैं मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं। मैं उसके लिए लाडवा के लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के
2,80,00,000 लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। उनके आशीर्वाद से, उनकी गाइडलाइन के अंदर उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों के ऊपर हरियाणा के लोगों ने मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का जहां दिल से धन्यवाद करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो यह तीसरी बार हरियाणा की ऐतिहासिक जीत हुई है, इसके लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी उच्च लीडरशिप का धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जिनकी कड़ी मेहनत और पसीना बहा करके उन्होंने इस ऐतिहासिक जीत का जो दिलवाई है वो पूरे धन्यवाद के पात्र है। मैं पूरे हरियाणा के लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कोहाड़ा की जलेबी, कोहाड़ा की जलेबी की फैक्ट्री, ये बात अलग से करो। सीधे चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर दिल्ली, पवन गौड़ हमारे सहयोगी जुड़े हुए वहां से। जी पवन, जश्न अभी से मनाया जाना शुरू हो चुका है, जरा बताएं तस्वीरें। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से सुबह से इंतजार किया जा रहा था, जब शुरुआती रुझानों में कहीं ना कहीं कांग्रेस आगे थी, उसके बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी दफ्तर में एक मायूसी जरूर थी, लेकिन जैसे बदलने लगे तो उसके बाद में रोहित चहल हमारे साथ हैं। रोहित जी, जिस तरह से अब रुझान जो है कहीं ना कहीं परिणामों में सेटल होने लगे हैं, किस तरह से देखते हैं हरियाणा के इस परिणाम को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हरियाणा की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के और माननीय राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी के हमारे नेतृत्व में भरोसा दिलाया भारतीय जनता पार्टी को, और सभी कार्यकर्ताओं की जो मेहनत थी, परिश्रम था, मेहनत थी, उनको भी बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर किया, हरियाणा का चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे माताएं बहनें हो, तो सब जवान हो, चाहे किसान हो, चाहे माता बहन हो, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है। उन्होंने जो झूठा प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी ने चलाया था कि उसको ध्वस्त करने का काम वहां की जनता ने किया है। किसानों को सम्मान निधि के रूप में सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने, उनको चाहे MSP देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, जिस प्रकार से माता बहनों को सम्मान देने का काम किया था, तो हरियाणा की जनता ने पूरी तरीके से हरियाणा जो झूठा प्रोपेगेंडा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने चलाया उसको ध्वस्त करने का काम किया। और साथ साथ केजरीवाल जो झूठे केजरीवाल भ्रष्टाचारी, उनको भी कहीं ना कहीं जमानत जब्त करके उनको भी जवाब दे दिया। खुद जो है लगातार हरियाणा के दौरे पर थे, एक बड़ा बात कही जा रही थी कहीं ना कहीं जाट जो है वो नाराज है पार्टी से, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ वोट करने का एक माहौल तैयार हो रहा है। आप खुद ने लगातार हरियाणा के अंदर प्रचार किया, अब कांग्रेस ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन आंकड़े रिलीज नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ हेर फेर करने की कोशिश है। देखिए, मुझे लगता है हरियाणा हमेशा किसे कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को भरोसा क्यों नहीं है? उनको क्या हरियाणा की जनता भरोसा नहीं है क्या? वो कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाते हैं, कभी सेना पे सवाल उठाते हैं। अरे भैया, किस पे भरोसा करोगे? देश की जनता है, जनता जनार्दन, उनको भरोसा करो, विश्वास करो। उन्होंने नकार दिया राहुल गांधी को, उनके नेतृत्व नकारा तो उसको स्वीकार करना चाहिए। और मुझे इस पर हैरानी होती है, देखिए मैं हरियाणा में रहा, हरियाणा का चाहे युवा जिस प्रकार से कहा, चाहे जवान है, चाहे किसान है, चाहे माता बहन है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है निश्चित तौर पर। और जाटों की जहां तक बात करें, मैं स्वयं जाट परिवार से आता हूं, जाट हूं, और निश्चित तौर पर चाहे आप देखिए पूरे जो जाट बेल्ट है, सोनीपत से लेके बाकी जगह भी, जिनमें सारी चाहे पानीपत रोहतरनाल, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई है, तो अपने आप में जवाब देने के लिए काफी है। चाहे दक्षिण हरियाणा में भी देखेंगे, पलवल और इस तरफ जाट वहां पर भारतीय जनता पार्टी थी, तो निश्चित तौर पर जाटों ने भी और सभी समाज ने, सभी जातियों ने भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी को भरोसा दिलाया, उसी का परिणाम आज सामने। आज का जश्न आगे कैसे बढ़ने वाला है? देखिए, जीत का जश्न शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर लगातार जीत का जश्न मनेगा, और हम धन्यवाद पुनः हरियाणा की जनता का दिल से करने चाहेंगे। और जिस प्रकार से जो भरोसा है, और पूरे देश की जनता का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। जीत की जलेबी बटेगी, जलेबी का बहुत रोल रहा है। जीत के अंदर जलेबी और लड्डू सब कुछ बट रहा है, होली दिवाली सब एक साथ मनाई जा रही है जिस तरह से। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का जो झूठ का
जो उन्होंने मिठाई की झूठ की दुकान खोली थी उसको नकार दिया है देश की जनता ने। तो कहीं ना कहीं बीजेपी मुख्यालय में अब जश्न की जो है वो शुरुआत हो गई है, क्योंकि बीजेपी सुबह से इंतजार कर रही थी, जो दोपहर को 11-12 बजे के आसपास जो ट्रेंड आने लगे उसके बाद में इंतजार करती रही कि फिलहाल ट्रेंड्स को थोड़े परिणामों में बदलने लगे, और उसके बाद में जब परिणामों में बदलने लगे तो अब धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल जो है वो बनने लगा है। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता है धीरे धीरे यहाँ पहुंचने लगे हैं, सब कुछ धीरे धीरे यहाँ अब कार्यकर्ताओं का आना शुरू होगा, उसके बाद में तमाम जो है बड़े नेता पार्टी के यहाँ पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर के पहले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे, उनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, अनिल अरुण सिंह, उनके साथ साथ और तमाम जो नेता हैं वो सब यहाँ पहुंचने लगे हैं। तो अब धीरे धीरे बीजेपी मुख्यालय जो है जश्न का माहौल बनने लगा है। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो अर्धशतक रुझानों में बीजेपी लगा चुकी है और लगातार आपको टैली दिखा रहे हैं, 50 का आंकड़ा रुझानों में है, कांग्रेस 35 पर है, एनएलडी प्लस यानी बीएसपी के साथ 2 सीटें जीत चुकी है एनएलडी और बीएसपी, तो उधर आदर्श में 3 ये भी तय हो चुका है। और ये हिसार, बिल्कुल जिले की हम बात करेंगे, हिसार में 4 बीजेपी, 2 कांग्रेस और 1 निर्दलीय, निर्दलीय सावित्री जिंदल हिसार से और कांग्रेस के जस्सी पेटवाड़ है, बहुत उम्मीद थी उकलांस नरेश सेलवाल है, तो ये 2 ही चेहरे आज बचा पाए। भिवानी से 4 बीजेपी, यहाँ खाता नहीं खुला और उम्मीद नहीं थी कांग्रेस को कि इस इलाके में भिवानी में ऐसा हाल होगा, लेकिन यहाँ एक बात तो तय है कि बंसीलाल की राजनीति करने का अधिकार वहां की जनता ने, वहां के मतदाताओं ने दिया है किरण चौधरी को। चरखी दादरी, ये नाम गलत है, लेकिन चरखी दादरी 2 बीजेपी को गई है, दोनों की दोनों सीटें। हम लगातार बात भी कर रहे थे, ये जो पूरा इलाका देशवाल का इलाका है, तो यहाँ पर जो मजबूती थी कांग्रेस की दिख रही थी, लेकिन मजबूती तभी जब वो आंकड़ों में तब्दील आप कर पाए, चुनाव परिणाम में कर पाए। सुदेश, रोहतक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं मान सकते, क्योंकि रोहतक कहीं ना कहीं वैसे भी हुड्डा का गढ़ माना जाता है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, तो चारों की चारों सीटें अगर कांग्रेस को यहाँ से गई है तो इसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल, जो रोहतक की सीट है तो वो जाहिर सी बात अभी बत्रा बहुत मजबूत है, लेकिन मनीष ग्रोवर के साथ उनका कांटे का मुकाबला था, तो बाजी मारी है बीवी बत्रा ने, भारत भूषण बत्रा ने। महम में भी बलराम दांगी सब पर हावी रहे, बलराज कुंडू मजबूत थे, लेकिन बलराज कुंडू समझ गए थे कि इस बार उनकी राजनीति हुड्डा के नाम वाली नहीं चलेगी, तो यहां पर चुनाव हार गए। झज्जर में कांग्रेस तीनों, झज्जर में एक वक्त लग रहा था कि गीता भुक्कल शायद इस बार फतेह ना कर पाए इस चुनावी जंग को, लेकिन कांग्रेस के लिए राहत की बात है और यहां पर कांग्रेस 3 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसी को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कहते नजर आए कि बहुत सारी सीटें हमारी ऐसी हैं यहां पर जहां हम मजबूत हैं, लेकिन कुछ राउंड की काउंटिंग के बाद काउंटिंग को रोक दिया गया है। बिल्कुल, तो अगले जिले महेंद्रगढ़ की बात कर ले, 4 विधानसभा की सीटें यहां पर आती है। महेंद्रगढ़ में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 3 और 1 कांग्रेस के पास। बिल्कुल, यहाँ पे इतनी उम्मीदें नहीं थी जैस्मिन की बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन महेंद्रगढ़ साउथ हरियाणा, दक्षिण हरियाणा की राजनीति, यहाँ बहुत बड़ा कद है राव इंद्रजीत सिंह का, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी, 7 से 8 अपने समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब रही। सबसे ज्यादा यहीं पर था, हाँ बिल्कुल, यहाँ बगावत बहुत बड़े स्तर पर हुई थी और वो सीट भी यहाँ पर बीजेपी जीत गई है महेंद्रगढ़ की, जहाँ पर कंवर यादव को टिकट दिया था रामविलास शर्मा का टिकट काटकर। रेवाड़ी में 3 सीटें बीजेपी, कांग्रेस का खाता नहीं खुला, लाज बची है कहीं ना कहीं हम कहेंगे राव इंद्रजीत सिंह की। यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह के सहरे पर जीत, जीत का सहरा राव इंद्रजीत सिंह पर जरूर सजेगा, क्योंकि रेवाड़ी ये पूरा का पूरा इलाका हम दक्षिण हरियाणा का कहें, चाहे वो किसी भी दल में रहे हो, 4 दशक 5 दशक की राजनीति उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए की है, उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री वो भी कांग्रेस की राजनीति करते रहे, जनता दल से लेकर कांग्रेस की, उसके बाद अब राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भी पहली बार चुनाव मैदान में थी यहां से अटेली से, तो रेवाड़ी में भी लाज बची है बीजेपी की और राव इंद्रजीत सिंह की भी। बिल्कुल, तो ये जिलेवार हमने आपको बताया कि किस तरह से सीटें, किस जिले से कितनी सीटें किस पार्टी के झोली में गई हैं। सुदेश, 2019 में कांग्रेस अंडर कॉन्फिडेंट और 2024 में कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंट, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस को बात दे गया। बिल्कुल, मैं पहले भी जैसे हम सुबह जिक्र किया हमने कि पहले 2019 का चुनाव कांग्रेस से लड़ा अंडर कॉन्फिडेंट होकर, जरा उनको ये भनक नहीं थी कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, कांग्रेस के बाकी नेताओं को इतना सा कुमान होता कि इस बार इतनी बुरी हालत नहीं है, वो कम बैक कर सकते हैं, तो तस्वीर कुछ अलग होती। ये कार्यवाहक मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, कार्यवाहक लेकिन कभी भी शपथ लेंगे, इसी चेहरे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और यह फॉर्मूला हिट रहा, चेहरा बदलने का फॉर्मूला हिट हुआ है हरियाणा में, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन देखिए चेहरा सीएम का बदला था, पीएम का नहीं, और सीएम का चेहरा बदला तो सीएम की कुर्सी के लिए अब ताज भी सौंप दिया है।
इस चेहरे के लिए इनके सर पर ताज सजेगा। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्टर दिखा रहे हैं नायब सिंह सैनी, हर मंच पर बहुत तारीफ करते नजर आए थे, खासतौर पर उनके व्यवहार की, उनके स्वभाव की, कि बहुत मधुर मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं नायब सिंह सैनी, और जब भी मिलेंगे मुस्कुराएंगे। ये छवि असर डाल गई है, जादू कर गई मतदाताओं के दिलों पर। 56 दिन का कार्यकाल, 56 दिन के कार्यकाल में हमेशा जनता के बीच रहे, मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे खोल दिए, वहां पर खाट बिछा दी जो हरियाणा की संस्कृति का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है, तो कहा कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। सुदेश, और जिस तरह से जीत की ओर बीजेपी आगे बढ़ रही है, उसी क्रम में अब ये रोड शो, यहाँ पर कार्यवाहक मुख्यमंत्री सैनी निकाल रहे हैं कार्यकर्ताओं का अभिनंदन स्वीकार करते हुए। आप देख सकते हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री का ये काफिला अब रोड शो की शक्ल में यहाँ पर गली नुक्कड़ से गुजरता हुआ, और जैसा कि सुदेश ने कहा कि एक बेहद साधारण छवि मुख्यमंत्री नायब सैनी की रही है, गरीब घर के बेटे खुद को कहते हैं। और सुदेश, आपको वो तस्वीरें याद होंगी जब बैलगाड़ी पर बैठकर अपना नामांकन भरने के लिए गए थे, तो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि कोई काम बीजेपी ने नहीं किया इन 10 सालों में। लेकिन किसानों को लेकर जिस तरह से एक नैरेटिव सेट किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि किसान बीजेपी से बेहद नाराज चल रहे हैं, किसान का कोई वोट, कोई सपोर्ट बीजेपी को नहीं मिलेगा, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो इससे उलट साबित हो रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर का सुन लेते हैं। सवाल है, पौने 10 साल लगभग आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर काम किया, आज जब चुनाव हुए तो कुमारी शैलजा ने कहा है जब रिजल्ट आया कि उनसे आकलन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से गड़बड़ी हुई है, क्या शैलजा और हुड्डा साहब के बीच जो मीडिया में भी चल रहा था कि कुछ ना कुछ तनातनी है, उसका असर भी पड़ा है? आप अपना अनुमान लगा करके उनसे पूछिए क्या बात थी क्या नहीं। मैंने जो कहना था अपने आप अपने हिसाब से मैं पहले कहा था, और वही बात पर आज भी हूँ मैं, कि हमारी पार्टी एकजुट होकर के और अपने पक्की नीतियों के हिसाब से काम करती है, जनता में उसका असर जाता है। आपके काम, आपके कार्यकाल के दौरान जो काम हुए उस पर मोहर लगी है जनता की, आपको लगता है? भारतीय जनता पार्टी का जो भी 10 साल का कार्यकाल है उस सारे के ऊपर भी मोहर लगाई है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी की जो 11 साल केंद्र में हो गए हैं, उन्होंने जो उनकी नीतियाँ हैं और केंद्र की जो हमारी उपलब्धियाँ, सब मिला करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, हमारे नेता के काम पर, हमारी नीयत पर, सबके ऊपर जनता ने मोहर लगाई। क्या सर उप मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में होंगे? धन्यवाद। आप सुन रहे थे, और उन्होंने कहा कि वो तो आश्वस्त थे, सबसे पहले वोट डालने भी गए थे प्रेमनगर में, बूथ नंबर 134 जहां पर उनका वोट है, सबसे पहले कतार में आकर लग गए थे और सबसे पहले वोट का भुगतान किया था, जिसकी तस्वीर न्यूज 18 ने आप तक पहुंचाई थी। अब वोट तो डल गया था, आज जनादेश का दिन था। इसमें एक एक सिलसिलेवार तरीके से आपको सुनवाते हैं जरा। बरादरी दे रतिया हलके दे मेरे भैन भाइयों का प्यार है, इतनी वड्डी लीड मतलब जो मिल रही है 25,000 के क्रॉस हो जाएगी जी, बहुत मैं मेरे हलके की जनता का बहुत बहुत कोटन कोट धन्यवाद कर। मैं अपना 24 घंटे भैन भाइयों के बिच रहा, प्रेम प्यार आ, दुख सुख हमेशा जनता के बीच नाल वंडिया, इस करके जोड़ा है अपना मैं इन्ना बड़ा प्यार जोड़ा है मेरे रतिया हलके की 36 जात भैन भाइयों। ये हर उस लड़की की, हर उस महिला की लड़ाई है जो संघर्ष के रास्ते को हमेशा चुनती है। आज संघर्ष की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे लोगों ने जो प्यार प्रेम दिया है, जो इस देश ने मेरे को प्यार प्रेम दिया है, उसको मैं हमेशा बना के रखूँ, उनके विश्वास को हमेशा बना के रखूँ। राजनीति में अगर आ गए तो कंटिन्यू इधर ही रखेंगे, लोगों ने प्यार प्रेम दिया है उनके लिए काम भी करना पड़ेगा फील्ड में रह के, ऐसा तो है नहीं कि हम दोनों चीज़ें कर सकते। शहर की अकेले की बात नहीं है, पूरे जुलाना विधानसभा के लोगों ने जो मेरे को प्यार प्रेम दिया है, जितनी उम्मीद से मुझे वोट किया, हर एक वोट को मैं चाहती हूँ कि हर एक वो वोटर खुश होना चाहिए जिन्होंने मेरे पे उम्मीद जताई है, तो वो कोशिश रहेगी हमारी। देखिए लिए मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, जितना हो सकता है मैं स्पोर्ट्स के लिए करूंगी, और मैं एक फील्ड में सीमित नहीं रहना चाहती। हर फील्ड के लोगों ने, हर किसान का मेरे हैं चाहे नौजवान है, सभी ने मेरे को वोट दिया है, तो सभी की जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी निभाने की। मैंने कहा था कि सरकार भारतीय जनता पार्टी सामने आने वाली, सरकार हमारी ये जो सारे जो एग्जिट पोल थे वो सारे फेल हुए, हमने पहले कहा था कि एग्जिट पोल फेल होगा। ये इसके अंदर एक हार एक जीत होती है। कैथल के लोगों ने ये निर्णय कर लिया था कि वो न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, सदाचार और सद्भाव की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में विश्वास कर कैथल की तपोभूमि लड़ेगी,
और पूरे पूरे कैथल में पूरे कैथल में कांग्रेस पार्टी इसलिए भारी बहुमत से जीत रही है। ये दर्शाता है कि प्रदेश के ट्रेंड को तोड़कर कैथल ने राहुल गांधी जी में, खड़गे जी में, कांग्रेस में विश्वास जताया है। मैं हाथ जोड़कर कैथल जिले के हर एक व्यक्ति का, खास तौर से कैथल विधानसभा की तपोभूमि के हर व्यक्ति का कोटि कोटि धन्यवाद कर। देखिए, व्यक्ति का केवल कर्म व्यक्ति के हाथ में है। हमने अपने कर्म को अच्छे तरीके से करने का काम किया है, चाहे वो चुनाव लड़ने की बात है या इससे पूर्व 10 वर्षों तक जो जिम्मेवारी लोगों ने दी है, उस जिम्मेवारी को हमने ईमानदारी से निभाने का प्रयास किया और जो भी हम कर सके हमने किया। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो विकास के प्रति है, जो समाज के प्रति है, जो पारदर्शिता के प्रति है, जो हर व्यक्ति को उसका हक मिले, पूरा मिले, सम्मान से मिले, ये कहीं ना कहीं ऐसे विषय हैं जिनको लोगों ने उनके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। पहले तो मैं सोनीपत की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना मेरे पे विश्वास जताया, अपना आशीर्वाद दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का जिन्होंने मेरे को टिकट देकर पब्लिक के बीच में भेजा। और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जिसने जमीनी स्तर पे सोनीपत के अंदर लड़ाई लड़ने का काम किया, रात को 2 बजे, दिन में गर्मी में 1 बजे, 2 बजे, और मैं समझता हूँ मैं उन सबका धन्यवाद करता हूँ। उससे पहले हरविंदर कल्याण को, जनैल सिंह को, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को, विनेश फोगाट को, आप सुन रहे थे एक एक कर किस तरीके से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। और ये पूजा चौधरी हैं, वरुण मुलाना की धर्मपत्नी हैं। मुलाना सीट जीत चुकी है कांग्रेस, लेकिन बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर बीजेपी सरकार बना रही है। रुझानों में सुबह से कोई ज्यादा तब्दीली नहीं आई, जैसा कि हमें लग रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा सा दिन आगे बढ़ेगा, वक्त बीतेगा, उसके बाद ये टैली बिल्कुल ही बदल जाए। ये अब विजय जुलूस निकाले जा रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग उम्मीदवार जो जीत कर आए हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं और रुझानों में बहुमत बीजेपी का बिल्कुल। आज प्रदेश में सुदेश बीजेपी जिस तरह से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, इसके बाद अब एनालिसिस का दौर भी शुरू होगा। कुछ क्या कारण रहे हार जीत के, उसे भी खंगालने की कोशिश की जाएगी। तो कुछ जो अभी तक मुख्य बिंदु सामने आए उसके मुताबिक सुदेश, खबर ये भी निकल कर आई है कि शहरी जो हरियाणा की सीटें हैं वहां से बीजेपी ने बढ़त हासिल की है, यानी कि शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बीजेपी को लोगों ने पसंद किया है और वहां की लगभग 21 सीटों से बीजेपी ने लीड ली है। और यही कारण है कि बीजेपी इस तरह से तीसरी बार सत्ता में काबिज होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अगर जाट वोटर, जिसको लेकर कांग्रेस ने कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट किया था कि जाट वोटर्स बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, किसान वोटर्स बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज चल रहे हैं, तो जाटों की अगर बात की जाए तो 2019 में लगभग 31% जाट वोटर्स ने बीजेपी को वोट किया था। लेकिन 2024 विधानसभा चुनावों में अगर तथ्यों के आधार पर देखें, जो फिगर्स अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक लगभग 51% जाट वोटर्स ने बीजेपी को पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर पसंद किया है। तो जिस तरह से जिन ग्राउंड्स पर कांग्रेस पार्टी ने यह चुनाव लड़ा है, चाहे किसानों की नाराजगी की बात कही हो या फिर जिस तरह से सुदेश अग्निवीर योजना का भी यहां पर जिक्र हो रहा था कि अग्निवीर योजना भी कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ जा रही है। किसान आंदोलन के बाद से किसान लगातार बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं। जाट वोटर्स जिनका कहीं ना कहीं हरियाणा विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव है, 32 के आसपास ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर जाट वोटर्स अपना प्रभाव रखते हैं, वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। ये वो तमाम दावे जो कांग्रेस कर रही थी, ये वो तमाम बातें, तमाम कारण जो कांग्रेस गिना रही थी जब प्रचार कर रही थी हरियाणा में, उसके बाद से जो ये आंकलन सामने निकल कर आया है सुदेश, इसे कैसे देखा जाए? नहीं, कांग्रेस की तरफ से कभी प्रचार नहीं किया कि जाट हमारी तरफ है और बीजेपी से नाराज है। उन्होंने किसानों का मुद्दा जरूर उठाया कि किसान आंदोलन था, 3 कृषि कानून ले आए, काले कानून थे, तभी तो पार्टी को, सरकार को वापस लेने पड़े। तो एक नैरेटिव वो जरूर था कि कांग्रेस की तरफ से कि जो बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, किसानों का जो गुस्सा है उसको भुनाने की कोशिश की गई। और जहां तक बात है शहरी वोटर्स की, तो शहरी वोटर बीजेपी का वोटर कहा
कहा जाता है, लेकिन अभी हम जिलेवार तरीके से जो आंकड़ा दिखा रहे थे उसमें जहां ग्रामीण सीटें वहां पर बीजेपी ज्यादा हावी नजर आ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं ने अगर बीजेपी को वोट दिया है, जो 22% दलित वोट बैंक जिस पर नजरें बीजेपी की थी, हर चुनावी जनसभा में बीजेपी के नेताओं ने वो मुद्दा उठाया, इसके पीछे की राजनीति कांग्रेस बहुत हल्के में ले गई। बार बार कहा गया कुमारी सैलजा दलित है, महिला है, उनका उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, क्यों नहीं आप उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर देते। समझिए ये बहुत बड़ा दांव था जो दांव चला बीजेपी ने, धोबी पछाड़ कह सकते हैं कि दलित वोटर वो साधा है, जो जाट वोटर वो वोकल था, लेकिन दलित 22% वोटर से उनकी वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। बिल्कुल। एक चीज ऐड करना चाहूंगी जिस चीज का आप जिक्र कर रही हैं कि इसी आग में कुमारी सैलजा की नाराजगी ने घी की तरह काम किया, क्योंकि वो नाराज रही, अपने घर पर रही, चुनाव प्रचार में वो नहीं दिखी, बहुत देर से चुनाव प्रचार में कुमारी सैलजा की एंट्री हुई। तो जिस चीज की आप बात कर रही है कि बीजेपी ने इस चीज को भुनाया कि कुमारी सैलजा का अपमान किया है, कांग्रेस पार्टी में दलित महिला है और दलितों का कांग्रेस पार्टी अपमान कर रही है, कुमारी सैलजा की नाराजगी ने इस चीज को बल दिया। राहुल गांधी ये तो करते रहे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, अब इसका तोड़ बीजेपी ने ऐसे निकाला कि अगर जातिगत जनगणना आपको चाहिए तो फिर क्यों नहीं आप महिला नेत्री हैं, दलित चेहरा है, आपकी वरिष्ठ नेता भी हैं, क्यों नहीं आप उनको सीएम फेस प्रोजेक्ट कर देते। तो ये तोड़ राहुल गांधी का जो था उसको इस तरीके से निकाला। अब जातिगत जनगणना भूल जाइए, आप एक नेत्री है, महिला है, वो डिजर्व करती है नहीं करती वो अलग बात है, लेकिन आप क्यों नहीं, हमने तो उनकी तरफ से ओबीसी चेहरा उतारा गया था नायब सिंह सैनी के तौर पर, पहले पंजाबी चेहरा, जाट नॉन जाट की पॉलिटिक्स हरियाणा में, उसका फायदा बीजेपी को मिला और फिर ओबीसी दांव चला और हम देख रहे हैं कि चुनाव विसात पर वो दांव काम कर गया। एक बार टैली पर अगर नजर डालने तो जीत के उस मैजिकल आंकड़े से सिर्फ 3 सीटें दूर है बीजेपी। बिल्कुल 51 रुझानों में चली गई है बीजेपी, लेकिन जीत का जो बहुमत का आंकड़ा 40, जीत के बाद वो ज्यादा दूर नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और इसी वजह से बार बार जश्न की तस्वीरें अब बढ़ती जा रही हैं। 43 पर लीड 8 पर है, तो 40 का आंकड़ा तो सिर्फ 3 नंबर दूर है। और हम जो विश्लेषण अभी तक कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी नहीं कह सकते कि जाट समुदाय के कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, अभी तो पूरा आंकलन होगा। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ जो 40 का जादुई आंकड़ा है वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ सरकार तो दिख रही है साफ तरीके से, लेकिन अब मेजर सर्जरी करनी होगी कांग्रेस को। कांग्रेस को सोचना होगा कि हवा में चुनाव नहीं लड़े जाते, संगठन बनाना पड़ता है। उदय भान को भले ही पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन संगठन तो वो भी नहीं बना पाए। कुमारी सैलजा से नाराजगी रही, अशोक से नाराजगी रही, संगठन का आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस की जो कहीं ना कहीं एक संगठन में पकड़ नहीं है, ये हमने हिमाचल के चुनावों में भी देखा था, क्योंकि उस वक्त आप भी थे, संगठन ही नहीं था यहाँ। हाँ, संगठन नहीं था, संगठन ही नहीं था, सालों से संगठन नहीं था। अशोक तंवर को लेकर यही झगड़ा था, कुमारी सैलजा के साथ यही झगड़ा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, उनके गुट का, और अब उदय भान क्योंकि उनके अपने थे तो संगठन तो वो भी नहीं बना पाए, और यहाँ बाजी मार गई भारतीय जनता पार्टी पन्ना प्रमुखों की तरफ से। बिल्कुल, तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर से ही ये जश्न की तस्वीरें देख रहे हैं, जैसे जैसे जीत की ओर बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है, सिर्फ 3 सीटें दूर है जीत के उस मैजिकल नंबर से, 46 से 3 सीटें दूर है। और आप देख सकते हैं बीजेपी के ये कार्यकर्ता हैं, बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं रोहित चहल, और बीजेपी मुख्यालय के बाहर पटाखे फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और दिवाली बहुत पहले आ गई है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए, और बहुत सारे लोगों की उम्मीदवारों की दशहरा और दिवाली दोनों ही खराब कर दिए हैं, क्योंकि चुनावी मौसम, उससे पहले चुनाव करवाया, अब चुनाव परिणाम आ रहा है, तो कुछ के घर में बहुत पहले दिवाली बन गई है, तो कुछ के चेहरे पर मायूसी है, त्योहार खराब हो गए हैं, लेकिन जनादेश है, जनादेश सर माथे पर लेना पड़ता है, जनता का फरमान है, जनता का फैसला है, और चुनाव परिणाम अब आ रहे हैं, मतगणना हो रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं, उम्मीद तो नहीं थी लेकिन करिश्मा है, कमल तो खिला है, अब इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उम्मीदें थी लेकिन अब उम्मीदें टूट चुकी है, अब तो कोई करिश्मा ही होगा तभी कुछ संभव है, और ऐसा करिश्मा कैसे ही हो सकता है, उसके लिए भी करिश्मा चाहिए, उसी के बाद होगा, मिरेकल नहीं हो सकते ऐसे। अब ये टैली तो इतनी नहीं बदल सकती, और क्या ही उलटफेर इसमें हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 3 नंबर चाहिए, 3 अंक चाहिए। 40 साढ़ोरा से रेणु बाला जीत गई हैं, और कोई हैरानी यहां पर नहीं कांग्रेस के लिए, साढ़ोरा इनकी सीट थी तो ये जीत गई, तो कुछ कुछ लाज तो बची है इन चेहरों के जरिए कुमारी सैलजा की समर्थक। लेकिन सुदेश, इसी के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हरियाणा में एक इतिहास भी रचा जा रहा है आज।
बीजेपी एक पहली ऐसी पार्टी है जो तीसरी बार सत्ता में हरियाणा में काबिज होगी। भले सरकार नहीं बनी लेकिन ये जीत का उद्घोष तो सुनना बनता है। दर्शक भी सुन ले जीत का उद्घोष है रेणुबाला के लिए साढ़ोरा से। यहीं से शुरुआत हुई थी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की यात्रा की। विजय संकल्प रैली हुई थी, यहाँ पर हाथ तो मिलाए गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी सहजा के, लेकिन हाथ तो मिल गए, दिल नहीं मिले, मन नहीं मिला और नतीजा सबके सामने है। जो नाराजगी थी, जो धड़ों में बटी कांग्रेस थी, उसका खामियाजा तो अब आपको चुकाना होगा हार के रूप में। और ये छोटी मोटी हार नहीं है, लगातार 2009 के बाद आप सत्ता से बाहर हैं, आपको सोचना होगा, बड़ी सर्जरी करनी होगी। गंभीरता से धड़ों में बंटकर आरोप प्रत्यारोप लगाने से आप बिल्ली की तरह आंखें मूंद लेने से कुछ नहीं होगा, कबूतर की तरह आंखें मूंद लेने से कुछ नहीं होगा। अब आपको सोचना होगा, चिंतन मंथन करना होगा। आप पहले रण तो जीत लेते, ये चुनावी किले को तो फतेह कर लेते, उसके बाद सोचते कि सीएम कौन होगा। लड़ाई सीएम को लेकर होती रही, नाराजगी जताई जाती रही और कुमारी सहजा जैसे बड़े दलित चेहरे को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, अनदेखी नहीं कर सकते उस प्रदेश में जहां करीब 22% कम से कम 22, ये पुरानी जनगणना के मुताबिक है, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सुरेशान हार गए होटल से। ये देखिए, ये कोई बड़े मजबूत चेहरे भी इनके सामने बीजेपी ने नहीं उतारे थे, खुद पार्टी प्रदेश हार गए। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड हुआ है, सुभाष बराला हार गए थे, लेकिन अब कांग्रेस ने भी इतिहास रच दिया। कहां पीछे रहने वाले थे उदय भान, जो कह रहे थे कि आप हमें जिताइए, वोट दीजिए, 2000 पे एक नौकरी दूंगा। ये दांव जो चला गया था ना खर्ची पर्ची वाला बीजेपी की तरफ से, ये भी काम कर गया, युवा में एक संदेश गया कि क्या पहले जैसा राज आने वाला है, क्योंकि हर कोई उस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता आपके। जो दलित कुछ मंचों से एनआईटी फरीदाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने तो सार्वजनिक मंच से इन्होंने बयान दिया था। उदय भान ने भी कहा था सार्वजनिक मंच से, बहुत सारे लोग थे कांग्रेस के जो खुलकर बोल रहे थे, तो उनमें से खुद पार्टी प्रदेश अध्यक्ष थे कि हम इस तरीके से नौकरी देंगे। मनोहर लाल जी का आशीर्वाद सिर पर हो तो फिर दिक्कत नहीं आती, फिर हम आगे बढ़ाएंगे। 56 इंच की छाती कर दे फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अपनी भी कर दी है। बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सीना चौड़ा करके चल रहे हैं, आज उत्साह है। बार बार कहे थे, मजाक भी उड़ाया गया। मजाक ऐसे उड़ाया गया क्योंकि मतदान के अगले ही दिन जब मीडिया ब्रीफिंग के लिए आए थे, तब कहा था कि सारी व्यवस्थाएं हैं, सरकार तो हम बनाएंगे, तब लगा क्या मजाक कर रहे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री। लेकिन मजाक नहीं था, मैजिकल फिगर उनको नजर आ रहा था, वो मैजिकल फिगर जो इस वक्त आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर टैली में नजर आ रहा होगा। ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, किस मुंह से जवाब दिया जाएगा। जो आप हवा की बातें कर रहे थे, तो क्या बहुत हवा में उड़ के बातें कर रहे हैं? प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर कई जिम्मेदारियां होती हैं, जब इस तरह से विधानसभा के चुनाव लड़े जाते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर पार्टी को एक साथ रखने की, जनता के बीच पार्टी का क्या संदेश है, क्या मैनिफेस्टो है, उसे जनता के बीच ले जाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर बहुत बड़ी होती है। सुदेश, उम्मीदवार तो मैदान में उतर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उन्हें किस तरह से एक साथ रखता है, पार्टी के मैनिफेस्टो तले, पार्टी के मुद्दों के तले एक सुर में कैसे चलना है, ये प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ प्रदेश अध्यक्ष वैसे थे नहीं जासमीन, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, लेकिन ऐसा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी थे, यही सच्चाई है। अशोक तंवर जब अपने मन मुताबिक काम कर रहे थे, वो भी वहीं से आए थे, आलाकमान की तरफ से आए थे, लेकिन संगठन नहीं बनाया, बनने नहीं दिया गया, ये तो अपनी कांग्रेस की राजनीति है। सुदेश, सहजा को बनाया गया, दलित चेहरा भी थी, महिला थी, संगठन वहां पर भी नहीं बना। अब उदय भान को लेकर आए थे, संगठन तो तब भी नहीं बना भाई आपका, संगठन कितना जरूरी होता है। देखे जाए दो मोटे फैक्टर्स की अगर यहाँ पर बात की जाए, संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस का प्रदेश में कमजोर होना और कांग्रेस की गुटबाजी, ये दो ऐसे राइट लेफ्ट फैक्टर्स थे जो कांग्रेस को ले डूबे इस विधानसभा के चुनावों में। मुझे लगता है उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर ये था कि बीजेपी के पास, बीजेपी ये साबित कर पाई कि वो किस तरीके से राजनीति करती है, वो सबको साथ लेकर चलती है, विकास की राजनीति करती है, डबल इंजन की सरकार है, और जो किसानों का मुद्दा है इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, एमएसपी की मांग स्वीकार कर ली गई। अब पंजाब में जो मुद्दा जरूर था, शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन उससे
बहुत ज्यादा तकलीफ हरियाणा में किसी को नहीं थी। बिल्कुल सुदेश, और अगर कैंपेनिंग का भी जिक्र कर लिया जाए, कांग्रेस की कैंपेनिंग को लेकर राजनीतिक विश्लेषक बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी स्टार प्रचारक उस तरह से हरियाणा प्रचार करने नहीं पहुंचा है, जिस एग्रेसिव तरीके से, जितने प्रचंड तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, इसका जिक्र आपने पहले भी किया। वजह है इसकी वजह, क्योंकि वही हम बात करें कि 2019 में, मैं पहले दिन से बोल रही, 2019 में कांग्रेस अंडर कॉन्फिडेंट थी, इस बार ओवर कॉन्फिडेंट थी और उसका नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस को लगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा कि इस बार तो किसी की जरूरत है नहीं, वो अपने भूते ये नैया पार कर लेंगे इस बार। उधर बीजेपी को लगा कि एंटी इनकंबेंसी है, हमने तो चेहरा भी बदल दिया था, मेजर सर्जरी की गई थी, हमने गठबंधन तोड़ दिया और फिर निर्दलियों के साथ हमने सरकार बनाई, ओबीसी चेहरा ले आए नायब सिंह सैनी के रूप में, तो उनको डर था, तो उस तरीके से रणनीति बनाई गई, उसका फायदा मिला बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हुआ। वो भाप नहीं पाए, नब्ज पकड़नी होती है जनता की, मुद्दों की, वो नब्ज कांग्रेस ने पकड़ी जरूर, लेकिन उस तरीके से ग्राउंड जीरो पर रहकर, जमीन पर रहकर वो काम नहीं कर पाए। आगे भी आपको आंकड़ों से चुनावी राजनीति समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, फिर सुन लीजिए, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है। कांग्रेस के दावे हवाई साबित हुए,